जिले में आज से लगेगी कोरोना वैक्सीन, स्वास्थ्य कर्मियों को मिलेगी पहली कोरोना वैक्सीन। उत्तर प्रदेश बाराबंकी महीनों के इंतजार के बाद कोरोना को मात देने के लिए कोरोना वैक्सीन की 17,970 डोज पहुंची। पहले चरण में निजी व सरकारी सभी 14,970 स्वास्थ्य कर्मियों का पंजीकरण है। 16 जनवरी को आज पहली बार स्वास्थ्य कर्मियों का टीकाकरण कराया जा रहा है। कोरोना वैक्सीन टीकाकरण के लिए स्वास्थ्य विभाग ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। कोविड वैक्सीन की डोज प्रति व्यक्ति 0.5 ml लगेगी। पहले दिन चार स्थानों में चार चिकित्सालयों जिनमें जिला चिकित्सालय हिंद और मेयो हॉस्पिटल के अलावा CHC सत्रिक में 400 स्वास्थ्य कर्मचारियों को वैक्सीन लगाई जाएगी। हर सत्र में 100 लोगों को वैक्सीन लगेगी, जिसके लिए 6-6 लोगों की टीम बनाई गई है। हर एक सेंटर पर कुल 6 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। ये थी आशीष वर्मा की खास रिपोर्ट। राज्य सरकार के निर्देश पर हमारे यहाँ 4 जगहों पर वैक्सीनेशन की जांच किया गया है। इसमें एक जिला पुरुष चिकित्सालय और जो है CSC और मेयो मेडिकल कॉलेज और हिंद मेडिकल कॉलेज, चार जगहों पर कल की वैक्सीनेशन की प्रक्रिया प्रारंभ। प्रति सेंटर पर निर्देशानुसार जो है 100 लाभार्थियों को रखा गया है। इस हिसाब से 400 टीका लिस्ट। टोटल कितने डॉक्टर्स हैं यहाँ पर? इसमें डॉक्टर्स या पैरामेडिक्स मेडिक्स उन सेंटर से प्रिपेयर्ड लिस्ट में है। कोई अलग से किसी एक संबर को रखा गया, एक ग्रुप को ध्यान में रखकर रखा गया। यंगर एज